जब हमारे देश में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको ये बोला जाता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो इसका मतलब होगा कि इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर कोर्स होगा हमारे देश में, है ना? डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। नहीं, इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स इंजीनियरिंग नहीं है बल्कि है बैचलर ऑफ आर्ट्स। 2020 की सरकारी रिपोर्ट ने दिखाया कि हमारे देश में करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने बीए कोर्सेज लिए, 50 लाख ने बीएससी, 43 लाख ने बीकॉम और 23 लाख ने बीटेक। इसका मतलब है कि बीए कोर्सेज बस पॉपुलर नहीं है, वो बहुत पॉपुलर है। और ये कोई एक साल की कहानी नहीं है, साल भर साल बीए कोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, चाहे आप इसको आर्ट्स बुलाए, सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोर्स कितना पॉपुलर है, प्रॉब्लम यह है कि इस कोर्स की वजह से कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी है स्टूडेंट्स को, स्पेशली एक नौकरी ढूंढने के लिए। तो बीए कोर्सेज इतने पॉपुलर है क्यों अगर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही? हर्षिता, शिफा, ऋषभ और राजश्री कुछ बीए स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात करी इस वीडियो के लिए। इन स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनके कैंपसेस में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही आती थी प्लेसमेंट्स के लिए। मतलब जो आई भी थी वो कुछ ना कुछ ऐसे बस इंटर्नशिप दे रही थी जिसके अंदर यू आर गेटिंग पेड अबाउट 5000। सो इट लाइक उन लोगों को लगता है कि बीए स्टूडेंट्स तो मतलब ऐसे ही, उनके पास वैसे ही कुछ है ही नहीं, उनसे आप ओवरवर्क करवाओ, उनको पैसे मत दो, एक्सप्लॉइट करो बस। पर जो कंपनीज आती भी थी, मुझे बहुत सारे मतलब ऐसे नाइट शिफ्ट टाइप्स जॉब मिल रहे थे जो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, टाइमिंग की वजह से शेड्यूल बहुत ज्यादा उनका डिफरेंट था। अब आप में से कुछ बोलोगे कि ये प्रॉब्लम तो इंजीनियर्स के साथ भी है ना, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही और सैलरी भी कम मिल रही है। आफ्टर कटिंग आई यूज्ड टू गेट 9000 इन हैंड। हाँ, वो भी बात सच है और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पर बीए ग्रेजुएट्स की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे जॉब ही आपको पहले इतना कम मिलेगा और उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होगी। जॉब मार्केट इज ऑल टाइम लो फॉर पीपल इन बीए, और उसके बाद इंक्रीमेंट का तो भूल ही जाओ, सालों में कभी कुछ होगा तो होगा। एक रिसर्च स्टूडेंट ने सरकार के 2012 डेटा को यूज किया और दिखाया कि एवरेज सैलरी सबसे कम ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स की है। इसके बारे में हमने एक रिक्रूटर से भी बात करी जिन्होंने हमें बताया कि अगर कोई नॉन टेक्निकल जॉब की ओपनिंग है, इवन बी इट इनटू सेल्स वी डू टेक पीपल फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू बीए वी वुडंट टेक देम until and unless they are really good with the communication, because communication is main for sales. कई बीए ग्रेजुएट्स तो इंटरव्यू की स्टेज तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। VBOX जो एक स्किल असेसमेंट कंपनी है, उन्होंने दिखाया कि बीटेक, बीकॉम और बीए जो तीन मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं, उनमें से सबसे कम एम्प्लॉयबिलिटी बीए ग्रेजुएट्स की है। इनफैक्ट बेकार डिग्री की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ग्रेजुएट्स में ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिखाया कि अनपढ़ लोग, स्कूल ड्रॉपआउट्स और ग्रेजुएट्स में से बेरोजगारी सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स में है। अब इसके पीछे जड़ क्या है वो तो रिसर्च स्टडी ने बताया नहीं, पर एक कारण ये हो सकता है कि जब लोगों के हाथ में कॉलेज डिग्री आ जाती है, उनको लगता है कि अब हम तो बस एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब ही करेंगे। पर दुख की बात यह है कि चाहे उनके हाथ में एक डिग्री हो पर उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए। I've done my MBA in sales and marketing and like I've come to stop. Life में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी डिग्री है, कॉलेज है, इट डजंट मैटर। और ऐसी ही हालत कई बीए ग्रेजुएट्स की है। तो क्या कारण है जिस वजह से बीए ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी इतनी कम है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट देयर जॉब्स आफ्टर द मास्टर्स, तो बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री हमारे लिए कुछ नहीं है। बीटेक वालों को मिल जाता है आराम से, दे गेट समथिंग, छोटी सी वो जॉब मिल जाती है, बट हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। एक मेजर कारण है कि इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे जिसको वो अप्लाई कर सकते हैं रियल जिंदगी में। जैसे ये चार्ट बनाया था ऑनलाइन टैलेंट असेसमेंट कंपनी मर्सल मेटल ने, उन्होंने दिखाया कि कौन से स्किल्स की डिमांड है अभी मार्केट में, और जो टॉप स्किल्स है वो है एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सी प्रोग्रामिंग वगैरह। जब हमने एक रिक्रूटर से बात करी, उन्होंने कहा कि मार्केट में कंपनीज टेक्निकल स्किल्स की तलाश में है, पर बीए कोर्सेज ऐसे स्किल्स ऑफर ही नहीं करते। इट्स जस्ट कोर्स बेस्ड ना, और रिसर्च का टॉपिक्स पढ़ाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और तो कुछ नहीं पढ़ा रहे वो लोग टेक्निकल रियलिटी बेस्ड में। व्हेन यू डू गेट इनटू द रियल लाइफ यू आर लाइक ये कैसे होगा, जिस वजह से कई बीए स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट में मुश्किलें झेलनी पड़ती है। डिजिटल रेवोल्यूशन में व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड ऑल सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप, तो दे हैव दैट एडवांटेज, दे हैव अ जॉब मार्केट
पर हमारे लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट होती जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट्स. तो हमें जो नॉलेज है हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है और किसी और चीज की है नहीं. तो जब कोई आता भी है हमारे पास हमसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस करता है तो हमें उसका पता नहीं होता है. एबल जॉब्स एक स्किलिंग प्लेटफॉर्म है और उसके फाउंडर ने बताया कि ज्यादातर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को जॉब ही नहीं मिलती ग्रेजुएशन के एक साल तक. वेरियस कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए हैं लेकिन वही एक सवाल आ जाता है, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, क्यों बीए क्यों चुना आपने? क्योंकि जो जॉब रेडी स्किल्स की डिमांड है उनको उसके बारे में सिखाया नहीं जाता कॉलेज में. आप हमारे यहाँ पे क्या कैसे कॉप अप कर पाएंगे बीए को? ना आपके पास मैथमेटिकल स्किल्स है ना आपके पास इकोनॉमिकल, मतलब आप कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को? कई लोगों को 100 से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है अपनी पहली जॉब हासिल करने के लिए. ये चीज रियलाइज करने के बाद कई स्टूडेंट्स को अफसोस होता है. मुझे पता है कि 2-3 साल हो गया है मुझे इस चीज में, तब भी अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाया. आज मुझे रियलाइज हो रहा है एक्चुअली में मुझे भी उस टाइम पे बीए नहीं करना चाहिए था. अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज वर्कशॉप्स नहीं करवाते बीए स्टूडेंट्स के लिए, वो करवाते हैं पर इन वर्कशॉप से उन स्टूडेंट्स का जॉब मार्केट में कोई फायदा नहीं होता. कई सारी हमारी वर्कशॉप होती थी टू गेट टू नो अबाउट आर्कियोलॉजी एंड ऑल दैट, और ज्यादा यूपीएससी वाली चीजें ज्यादा होती थी हमारे कॉलेजेस में कि उसकी वर्कशॉप हो रही है, वो ऑफिसर आया है. मैंने कुछ ऐसा एक्सपोजर नहीं देखा जो कि बहुत ज्यादा यू नो डिफरेंट हो, समथिंग ऐसा कुछ हो जिससे हमें कुछ आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही हो. इट वॉज ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस, टू नो डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. इसके अलावा उनको और कई दिक्कतें झेलनी पड़ती है जो अब हमारे देश में सामान्य बात हो गई है. बीच बीच में एक एक सेमेस्टर हमारा टीचर ही नहीं होता था. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर लिटिल बिट बैकवर्ड इन दैट टर्म्स, लाइक प्रेजेंटेशन के लिए सारे वो बोर्ड्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है. क्लासेस आर आल्सो फाइन बट वही चलाते नहीं है. एक और मुद्दा ये है कि बीए स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जंग में उतरने से पहले ही तोड़ दिया जाता है ये कहकर कि तुम और तुम्हारी डिग्री पूरी बेकार है. बिलाल खान ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ग्रेजुएशन करी क्योंकि वो झांसी में पले बढ़े तो अंग्रेजी सीखने के लिए अमेरिकन टीवी शोज और हॉलीवुड मूवीज के अलावा उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं थे. पर उन्होंने कहा कि उनके स्टेट में लड़कों को आर्ट्स परस्यू करने के लिए कहा नहीं जाता, हमें बोला जाता है कि आर्ट से कोई भविष्य नहीं है. इनफैक्ट झांसी में कई स्कूल्स तो 11th और 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज ऑफर ही नहीं करते क्योंकि वो मानते हैं कि ह्यूमैनिटीज लड़कियों के लिए. देश में 52% बीए स्टूडेंट्स लड़कियां हैं जबकि बीटेक में बस 28% स्टूडेंट्स ही लड़कियां हैं. और ये कोई रीसेंट चीज भी नहीं है, 1950 से मोस्ट स्टूडेंट्स जो आर्ट्स डिग्री लेते हैं वो लड़कियां ही होती है. मीनाक्षी गौतम जो जेएनयू में एक रिसर्चर है उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमैनिटीज को गर्लिश बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ह्यूमैनिटीज तो वो लोग लेते हैं जिनका बंद दिमाग हो, जो रट्टा लगाने में अच्छे हो या फिर जो अपनी पढ़ाई में सीरियस ना हो. एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि वो 10th क्लास में रैंक होल्डर थी पर क्योंकि उन्होंने आर्ट्स चूज किया 11th और 12th में तो लोग मानने लग गए कि वो बहुत कमजोर होगी पढ़ाई में. बात होती है कि व्हेन यू गेट अ रैंक इट्स लाइक साइंस ही लेना है बिकॉज इट्स 95 प्लस. तो जब लोगों को सुनने को मिला कि आई एम टेकिंग आर्ट्स, पीपल वर लिटिल बिट सरप्राइज कि आर्ट्स हाँ कुछ नहीं है, ठीक ठाक पढ़ाई में होगी. हमारे देश में माता पिता भी लड़कियों की एजुकेशन को बहुत अलग मानते हैं. जैसे वाणी एक बिजनेस फैमिली से, कई परिवारों की तरह उनका परिवार भी उनकी एजुकेशन से इतना चिंतित नहीं था पर जब भाई की बात आई तो भाई तो पक्का इंजीनियरिंग ही करेगा. जब ऐसी चीजें बताई जाती है बच्चों को तो उनका कॉन्फिडेंस तो कम हो ही गई. इनफैक्ट इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर MS वांकडे ने कहा कि एडमिशन के कम से कम एक महीने बाद तक उनको काउंसिल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि वो किसी और से कम नहीं है. तो जब बीए स्टूडेंट एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है लड़ाई उनकी दरवाजे में घुसकर ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनको पता है कि रिक्रूटर के दिमाग में चल रहा है कि ये तो आर्ट स्टूडेंट है, कितना ही मेहनती और सीरियस होगा ये. कुछ दोष तो बीए स्टूडेंट्स पर भी जाता है क्योंकि उनमें से कई इंटर्नशिप्स नहीं करते. वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस दैट आई हैव सीन इज दैट मोस्ट ऑफ दीस पीपल डोंट डू एन इंटर्नशिप. Right. Online courses has now become very prevalent. So people are now like, okay, I will do one online course. I will do a course in marketing. But you know, the biggest learning comes from an internship. क्योंकि traditionally non-technical courses को professional course नहीं माना जाता, इसलिए internship उधर mandatory नहीं होती. क्योंकि internship mandatory नहीं है, इस वजह से कई students apply भी नहीं करते. First of all, it is important to understand that you don't have to go into domain. If you have done a BA history, don't let yourself say that I want to do something in history. You can do sales, you can do coding, you can do analysis, you can do anything. Right. So figure out what interests you by going through, you know, courses or videos, thinking what you really, really want to explore. जब कोई बीए स्टूडेंट ठान भी लेता है कि वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. कई बार कॉलेज अथॉरिटीज ही नहीं चाहती कि एक बीए स्टूडेंट इंटर्नशिप करे. स्टार्टिंग में तो आर कॉलेज वाज सो एडमेंट कि
attendance and then we're like hame exposure ke liye internships karne you have to give us attendance for that then we had to fight a lot because they were like we are not giving you anything we're not giving you any credits iske bawajood harshita ko koi tarika dhoondna pada jisse wo ye internship kar paye so we had to like talk to our teachers and you know have a very good rapport with them ki ma'am hum jayenge to please attendance de dena to aise hi karke jana padta tha college ne bol diya tha ki tumhare upar hai attendance jayega to hum to देंगे नहीं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की 2019 की रिपोर्ट ने दिखाया कि जहां 62% इंडियन स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल डिग्रीज करते हैं पर वो स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करते हैं उनमें से बस 9.5% स्टूडेंट ही नॉन टेक्निकल कोर्सेज से होते हैं अब अगर ऐसे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप नहीं करेंगे उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फिर जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास स्किल्स कैसे होंगे मोर देन द एजुकेशन द फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स विद अ पर्टिकुलर स्किल शांतनु रूज जो स्कूल गुरु एडुसर्व एक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को जब अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती वो पुराने बीए बीकॉम कोर्सेज में अटक जाते हैं जिससे पहली जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है अब ये जरूर है कि हाल ही में यूजीसी ने नई गाइडलाइंस रिलीज करी हैं जिससे अब हर स्टूडेंट को मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी होगी अब एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वह कि अगर बीए कोर्सेज में इंटर्नशिप करना मैंडेटरी नहीं है तो ये स्टूडेंट्स खुद क्यों नहीं करते इंटर्नशिप क्योंकि इनमें से कई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना नहीं चाहते जो भी बच्चा बीए ज्वाइन करता है किसी भी पर्पस से तो उसका एक सोल मोटिव होता है कि उसको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही परस्यू करना होता है यूपीएससी एसएससी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अदर देन लॉ के लिए भी कर सकता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी हैं Including me. और ऐसी कहानी कई बीए स्टूडेंट्स की है उनकी मंजिल एक प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं है बल्कि एक सरकारी जॉब है तो इंटर्नशिप करने का क्या फायदा इससे अच्छा उस समय में हम प्रेपरेशन कर लेते हैं अपनी जीएन शाक्या अलाहाबाद के टेस्ट प्रेपरेशन सेंटर्स में पाए जाते हैं वो 16 साल से एक सरकारी जॉब की तलाश में है जिस दौरान उन्होंने 5 डिग्रीज कलेक्ट कर लिए बीए एमए एलएलबी बीईडी और एमईडी सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज स्पेसिफिकली अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट चाहते हैं जैसे हिस्ट्री आता है पॉलिटी आता है ज्योग्राफी आता है इकोनॉमी आता है तो ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है राइट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ही जो बीए स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं इसके अलावा कई सिविल सर्विस एग्जाम्स में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट को एग्जाम लिखने से पहले चूज करना होता है मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका आप ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लेते हैं जो आपको पढ़ना है तो उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट हो जाता है और आपका ऑप्शनल भी वहाँ से क्रिएट हो जाता है जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस के 2 पेपर्स इसी सब्जेक्ट पर आधारित होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ कई स्टूडेंट्स बीए डिग्री लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बीए डिग्री में वर्कलोड कम होगा तो वो यूपीएससी के प्रेपरेशन में ज्यादा टाइम बिता पाएंगे अब बीए इंजीनियरिंग से ज्यादा इजी है टफ है ये तो मैं कह नहीं सकता ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज में पर ये जरूर है कि बीए डिग्री की पढ़ाई का एक बहुत अच्छा ओवरलैप होता है सिविल सर्विस एग्जाम्स के साथ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर्स यूपीएससी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इनफैक्ट कई सालों से इंजीनियर्स का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो अपने ऑप्शनल पेपर में ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले लेते हैं और क्लियर कर पाते हैं जब आप बीए स्टूडेंट्स की डेटा पर और नजर डालोगे तो आपको एक क्लियर डिवाइड दिखेगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच जैसे कुछ महीने पहले ये मैप वायरल गया था जितना ज्यादा गहरा कलर है उतना ज्यादा इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में आप देख सकते हो कि बिहार में करीब 70% स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज में एनरोल्ड है झारखंड में ये नंबर है 74% ऐसी कहानी राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश बंगाल और उड़ीसा की है जबकि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नंबर 10% से कम है पर ये डेटा पूरी तरह सही नहीं है एक डेटा एनालिस्ट ने एक पोस्ट किया इसके बारे में जहां उन्होंने बताया कि इस डेटा में वो भी स्टूडेंट्स इंक्लूड करे गए जिन्होंने 11th और 10th क्लास में ह्यूमैनिटीज लिए जब आप इन स्टूडेंट्स को हटा दोगे तो जो फासला है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच वो कम हो जाता है पर फिर भी एक बड़ा फासला रहता है जैसे बिहार में 30% ज्यादा स्टूडेंट्स ने ह्यूमैनिटीज ली और शायद इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदी बेल्ट में ही सरकारी नौकरियों का ज्यादा पागलपन है ये डेस्परेशन हम आसानी से देख सकते हैं जैसे ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश से जहाँ लाखों लोग यूपी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देने आए थे आप मानोगे नहीं पर 37 लाख लोगों ने ये टेस्ट दिया जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड उधर भीड़ जमा हो गई अब आप इस मैप को देखो जहाँ आप देख सकते हो कि आईएएस ऑफिसर्स की एक हाई परसेंटेज इसी हिंदी बेल्ट इलाके से आते हैं अब यूपीएससी स्टेट वाइज एप्लीकेंट्स की लिस्ट नहीं देता तो हम एप्लीकेंट्स का डेटा एनालाइज नहीं कर सकते पर कम से कम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के डेटा से हम ये मैप देख सकते हैं हिंदी बेल्ट इलाके से कई लोग तो साउथ इंडिया तक जाते सरकारी नौकरी
नौकरी ढूंढने के लिए। जैसे तमिलनाडु के त्रिची शहर में गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ने एक एग्जाम कराया था, जिसकी वजह से हिंदी बेल्ट से 300 लोग अपॉइंट किए गए थे। जब आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी देखोगे जिनकी सिविल सर्विसेज में बेस्ट सक्सेस रेट है, वो सभी नॉर्थ इंडिया से है। इसके अलावा जयपुर का विवेक विहार, प्रयागराज का कतरा और बघाड़ा इलाका, दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या फिर मुनीर का इलाका, ये सभी वो इलाके हैं जहां आपको बीए ग्रेजुएट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी में मिलेंगे। अब इस हिंदी बेल्ट में स्टूडेंट्स की ज्यादा रुचि क्यों है सरकारी नौकरी के लिए, इस पर मुझे कोई रिसर्च पेपर नहीं मिला, पर एक हाइपोथेसिस ये है कि इस हिंदी बेल्ट एरिया में इतनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां नहीं है। जैसे तमिलनाडु में 37% लेबर फोर्स इंडस्ट्री में काम करती है, 35% सर्विस में और बस 27% एग्रीकल्चर में, जबकि बिहार में 53% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो जब हिंदी बेल्ट में स्टूडेंट्स एक नौकरी की तलाश में होते हैं, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर उनके लिए इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन। इसके अलावा हिंदी बेल्ट में इतनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी नहीं है, इस वजह से कई स्टूडेंट्स को बीए कोर्सेज लेने पड़ते हैं। जैसे इस मैप में जो इलाका ज्यादा गहरा है उधर ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और आप देख सकते हो कि साउथ इंडिया में इन कॉलेजेस की संख्या ज्यादा है, जबकि वो बड़ी यूनिवर्सिटीज जो ह्यूमैनिटीज कोर्सेज ऑफर करती हैं, जैसे DU, JNU, AMU, जामिया मिलिया या फिर अशोका और जिंदल जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं। इस चीज के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने भी बात करी, जिसने कहा कि ऑलमोस्ट सारे सरकारी अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ग्रेजुएशन ऑफर करते हैं, और हिंदी बेल्ट एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी क्यों ना हो, पर कॉलेजेस की कमी नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स के लिए बीए कोर्स करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपके घर के पास एक कॉलेज भी है जो बीए कोर्स ऑफर कर रहा है, इसके अलावा बीए कोर्सेज ज्यादा सस्ते भी होते हैं, इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल कंपैरेटिवली ये ज्यादा महंगे होते हैं। वी हैव मेड मेडिकल एजुकेशन एज एन एलिटिस्ट अफेयर। टुडे चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर नॉट ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स। दिस will have a tremendous consequences. जब आर्थिक सिचुएशन थोड़ी टाइट हो तो स्टूडेंट्स के लिए एक बीए एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैं कह सकता हूँ जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, जिनको लगता है कि ग्रेजुएशन भी करना है, थोड़ा सा पैसा भी कम है, तो वो बीए के लिए जाते हैं। इसके पीछे काफी रीजन है, बीए के लिए इसलिए जाते हैं, एक सेफर ऑप्शन माना जाता है, ये दूसरी चीज के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर हम IIT की बात करें तो टोटल कोर्स फीस 8.5 लाख है, तो एनुअल फीस करीब 2,10,000 है, जिसमें हॉस्टल और मेस फीस शामिल नहीं है, जबकि DU के सेंट स्टीफन कॉलेज की एनुअल फीस है 40,000 रुपए। हिंदू कॉलेज की एनुअल कोर्स फीस तो 17,000 से 18,000 रुपए तक की है। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ ये अंदेशा दिखाने के लिए कि बीए डिग्रीज रिलेटिव भी सस्ती होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर स्टूडेंट बीए इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है या फिर वो एक सरकारी नौकरी की तलाश में है, कई इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो उसके बारे में पैशनेट है। ऑनेस्टली जब वो पढ़ते हो ना तो ये सब सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि इट हैज जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ, द थिंग्स आई एम रीडिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसा सोच में कभी आता ही नहीं है कि ये कब यूज कब आएगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं किसी के साथ बात करूंगी ना, यू नो आई हैव द सेम पैशन एज दैट पर्सन, और वो जो मैंने कॉन्वर्सेशन कर ली उस कॉन्वर्सेशन से मुझे जो यू नो दैट थिंग दैट थ्रिल आई गेट, वो मुझे नहीं मिलेगा कॉमर्स में करने से कभी भी। जैसे रिजवान BA इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, और बहुत खुश है क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अशोका का पैकेज लगभग 6 LPA के ऊपर जाता है, मिनिमम पैकेज जो है 6 LPA के ऊपर रहता है, एवरेज अराउंड 9-10 के आसपास में रहता है। एंड क्योंकि जो हाईएस्ट जो कंपनीज आती है अशोका में, तो लगभग 20-25 लाख मतलब कंसल्टिंग कंपनी इतना ही पे करती है लगभग, चाहे वो IIT से बच्चे को उठाए, चाहे IIM से उठाए, चाहे अशोका से। अशोका यूनिवर्सिटी है क्या हमारे देश की एक बहुत पॉपुलर पर महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी? सोचने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो मुझे लगता है ये चीज यू में काफी मिसिंग है, और क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेडिशनल चीजें चलती आ रही हैं, एक ट्रेडिशनल डिफेंस सिलेबस है और लगभग काफी सालों से अपडेट तक नहीं किया गया है। और अशोका में ऐसा है कि मान लीजिए कल कोई घटना हुई है और उसके बारे में हम आज पढ़ सकते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में आज पढ़ सकते हैं, प्रोफेसर उसको अपने सर्च में इंक्लूड करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। इसके अलावा वो अपनी ह्यूमैनिटीज डिग्री के साथ कई टेक्निकल इलेक्टिव्स भी ले सकते हैं, इसकी वजह से अगर आप बीए डिग्री भी कर रहे हैं तो आपके बस कई जॉब रेडी स्किल्स भी हैं लेबर मार्केट के लिए। अशोका यूनिवर्सिटी की फीस भी उतनी इंप्रेसिव है जितना उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। एक ड्रॉबैक भी है कि अशोका यूनिवर्सिटी जैसे सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, यहाँ की जो फीस है वो किसी भी IIT IIM से कहीं ज्यादा है। अगर आप IIM में जाओ और वहाँ फिर अगर आपको MBA करना है 2 साल का, तो वहाँ पे लगभग आपको 30 लाख लगेगा, यहाँ पे 3 साल का अगर आपको कोर्स करना है BA तो उसके लिए लगभग 40 लाख रुपए लगेंगे। पर ऐसे भी कई लोग हैं जो BA चूज करते हैं क्योंकि बाद में वो लॉ करना चाहते हैं या MBA करना चाहते हैं, या फिर वो बस लिटरेचर और साइकोलॉजी
टेक्नोलॉजी के बारे में पैशनेट है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइजिंग चीज ये है कि ह्यूमैनिटीज की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रही है। इसी वजह से और जरूरी हो जाता है कि हमारे देश के कॉलेजेस इस डिग्री को ज्यादा जॉब रेडी बनाए। अब UGC की रीसेंट रेगुलेशन के हिसाब से मैंडेटरी इंटर्नशिप से जरूर कई स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, पर इनमें से कितनी चीजें एग्जीक्यूट हो पाएंगी, क्योंकि अगर उनको स्किल सिखा भी दिए, क्या हमारे देश में इतनी जॉब्स हैं? कहा जाता है कि युवा ही भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन है, लेकिन इसे लेकर एक बड़ी चिंता भी है, वो ये कि इतने युवाओं के लिए जरूरी नौकरियां कहां से आएंगी। अनफॉर्चुनेटली सरकार के बारे में हमारे देश में एक बहुत अलग परसेप्शन है। हम मानते हैं कि सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब देना है, पर मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब देना नहीं है, बल्कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जिससे जॉब्स जनरेट हुए। थैंकफुली हमारी सरकारें कुछ कदम जरूर बढ़ा रही है सोर। स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे, और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना भी चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से कर सकेंगे। इसका मतलब है अगर आप BA डिग्री कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी ले पाओगे एज एन इलेक्टिव। पर रियलिटी देखे तो अलग है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कई कॉलेजेस स्टूडेंट्स को मजबूर कर रहे हैं कुछ इलेक्टिव कोर्सेज लेने के लिए। जब कुछ कॉलेजेस को पता चलता है कि एक डिपार्टमेंट में काफी स्टूडेंट्स नहीं है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को मजबूर कर लेते हैं उस डिपार्टमेंट का कोर्स लेने के लिए। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिले कि वो आसपास के कॉलेजेस में भी एक इलेक्टिव ले ले। जब तक ऐसी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो ऐसे कॉलेजेस में हैं जहां उनको जॉब रेडी स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे, उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। कॉलेज में नहीं तो उनको कॉलेज के बाहर अपने आप को अपस्किल करना होगा ताकि वो जॉब मार्केट के लिए तैयार हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब वो एक जॉब इंटरव्यू में घुसेंगे, रिक्रूटर ने उनके बारे में मन पहले से ही बना लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि हमारी भी ग्रोथ हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऐसे इंटरव्यूज और रिसर्च करने में। अगर आपको ऐसा ही एक और वीडियो देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, या हमने बात करी इंडिया के Tier 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रियलिटी के बारे में, तो ये वीडियो जरूर देखना।